नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरा नाम है अंकुर पांडे। रुक करते हैं खबरों का। कैदियों से साठगांठ के मामले में आरा जेल अधीक्षक संदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। औचक छापेमारी के दौरान मोबाइल, सिम कार्ड, कैंची, नगद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान की बरामदगी के मामले में जेल अधीक्षक संदीप कुमार पर यह गाजगिरी है। कारा एवं सुधार सेवा के संयुक्त सचिव ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन पर राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई है। यूपी के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले में सारे मुकदमे एक स्थान पर सुने जाने को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ये संबंधित सुनवाई हुई, जिसमें स्वामी अविक मुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता ने समय की मांग की और अदालत ने 7 जनवरी को अगली तारीख तय की। और बता दें कि ज्ञानव्यापी प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीनियर डिवीजन सहित जिला जज के यहां विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं, जिसको लेकर ही एक ही स्थान पर सुने जाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई टीए पे होना था, सुनवाई हो नहीं सकी। वजह जो था, मुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ताओं ने कहा कि अभी हमें कॉपी उपलब्ध कराया जाए और हम इस पर आपत्ति अपनी लगाएंगे। तो अब यह है कि इसको देखते हुए न्यायालय ने कहा कि कॉपी उपलब्ध करा दीजिए और 7 जनवरी का डेट उन्होंने निश्चित किया और 7 को पुनः इस पर सुनवाई होगी। किरण सिंह की तरफ से अभी आपत्ति अधूरी है, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। 7 तारीख को ही दोनों, किरण सिंह की आपत्ति, मुक्तेश्वरानंद 925-22 की आपत्ति पे जो भी होगी, सुनवाई जो है 7 जनवरी को होगा। इंतजामिया की तरफ से एक अप्लीकेशन मूव किया गया था फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट में, ऑर्डर 7/11 CPC के अंतर्गत। वो अप्लीकेशन मेरा 17 नवंबर 2022 को रिजेक्ट कर दिया गया। उसी आर्डर के विरुद्ध हम लोगों ने जिला जज साहब के यहाँ रिवीजन दाखिल किया। रिवीजन के एडमिशन पर आज सुनवाई थी और मेरा रिवीजन आफ्टर हियरिंग एडमिट हुआ और मेरिट पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी 2023 निर्धारित किया गया। टीए के संबंध में है, कॉपी वगैरह हम लोगों ने मांगा है। कॉपी वगैरह मिलने पर देखा जाएगा कि क्या सभी केस के नेचर एक है, एक जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में 7 जनवरी को जो आपत्ति वगैरह करनी है या नहीं करनी है तय किया जाए। न्यायालय में सुनवाई थी, कल भी सुनवाई थी। टीए वाले प्रार्थना पत्र जब पिकअप किए गए, विपक्ष किरण सिंह के अधिवक्ता द्वारा अपनी बात को रखा गया, जो शेष बातें बाकी थी उसके बाद तुरंत अभी सरानंद के अधिवक्ता द्वारा जो 925/22 उनका द्वारा दाखिल है, उस पर कल उन्होंने वकालतनामा लगाया था। आज भी उन्होंने समय मांगा, मुझे और समय चाहिए और मैं इस पर आपत्ति दाखिल करूँगा, मुझे कॉपी दिलाई जाए। न्यायालय द्वारा उनको समय देने के लिए 7 जुलाई डेट लगा दिया गया है, और 7 जनवरी 2023 के लिए निर्धारित कर दिया गया है। आपत्ति करेंगे, बाकी 5 टीए पर सहमति है। बिहार में छपरा के मढौरा सरकारी अस्पताल में सर्जरी के दौरान एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति हो गई और मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। बता दें, मरीज का पथरी का ऑपरेशन था, ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। हंगामे के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। जमुई के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि तस्वीर में एक महिला अवैध कट्टे के साथ दिख रही है, जिसके बाद लोग अब उसे कट्टा रानी के नाम से बुलाने लगे हैं। तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला पूर्व वार्ड पार्षद की रिश्तेदार है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोटो के बारे में हमें जानकारी मिली है और उसकी प्रमाणिकता कर रहे हैं, और अगर मामले की पुष्टि की जाती है तो उक्त महिला पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग के भी संज्ञान में आया है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और यदि उनका इस तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में कहीं भी संलिप्तता है तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग उनके विरुद्ध करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।